हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बायगॉटेड जीवन में। तो रेप्टाइल का इवेंट आ चुका है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको मतलब कैसे करेक्टर्स अंदर लगाने और इक्विपमेंट कैसे कैसे रखने हैं। तो आप वन डे वाला लगाना जिसमें आपको 25 मिलेगी और एक्सट्रीम वाले के जगह वेरी हाई भी रहता है शायद तक, तो वेरी हाई में लगाना, एक्सट्रीम में थोड़ा कम चांस हो जाता है। वो मैं क्विज लगा चुका हूँ और रेप्टाइल इवेंट खेल चुका हूँ, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मेरा आई नहीं दिखा रहा है। और क्या बोलते, इक्विपमेंट एपिक इक्विपमेंट जरूर लगाना जो आप यूज़ नहीं करते सर्वाइवर मोड में, और गलती से भी उसको निकाल मत देना क्विज ख़त्म होने के बाद। अगर आप निकाल देते और फिर लगाते हो तो शायद तक आई नहीं मिलेगी, क्योंकि आप एक बार निकाल चुके हो उसको। इसलिए तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आप इक्विपमेंट लगा रहे हो वो लगे रहने देना है। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, आपको जो 3 करेक्टर हर क्विज में लगाते हो तो उसमें से जो 1 करेक्टर है उसी में खाली पूरा इक्विपमेंट लगा देना है 3। और मैं आपको लिख के बता सकता हूँ आपको आई मिलेगी, अगर नहीं मिलती है तो आपका लक अच्छा नहीं है, नहीं तो आपको मिलेगी जरूर। तो आपको पूरा इक्विपमेंट नहीं लगाना है 3 करेक्टर में, खाली 1 करेक्टर में आपको एपिक इक्विपमेंट लगाना है और फिर दूसरा क्विज लगाना है, फिर 3 करेक्टर को लगा देना और एक में एपिक इक्विपमेंट लगाना, और जिसमें बोनस मिलता है वो करेक्टर को जरूर लगाए जिससे आपको मतलब लूट अच्छी मिली। और अगर आपको एक्सट्रीम में लगाना है तो आप लगा सकते हो, तो इसमें कारो गार्जियन सबका मैक्स रहता है, एपिक ईजिली मिल जाता है, और जिसको मतलब 1 भी मिला वो 1 भी लगा दे इसको तो वो काफ़ी है। और जिसका एपिक इक्विपमेंट नहीं खुला है वो रेयर इक्विपमेंट लगा सकता है हर एक करेक्टर में, जिसे आई मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब मैं गेम प्ले स्टार्ट करता हूँ, आप गेम प्ले देख लेना। Vengeance is mine. हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।